di pelapannya. हम लोग एक बार धो लिए हैं, उसके बाद दोबारा से धो रहे हैं। पहले हम लोग ने, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने चावल को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद उसको हम लोग अच्छे से धो रहे हैं, दो बार पानी में धोए हैं। और ये अरवा चावल है, जैसा कि दिख रहा है कि सफ़ेद है, तो यह अरवा चावल हमने लिया है, उसको 2 घंटा के लिए भीगने के लिए छोड़ा। 2 घंटा ना, 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं चावल भिगोए हुए, और हम अब उसको निकाल के, पानी से निकाल के कुछ देर के लिए, आधा घंटा लगभग, उसको धूप में रखेंगे, या फिर उसको पंखे में भी रख सकते हैं, ताकि उसका सारा पानी, जो एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है, इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद वो ये हो जाए। देख रहे हैं हम लोग कि चावल हम लोग पूरा पानी से निकाल चुके हैं। चावल को छानने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग धूप में रख देंगे, या फिर आप पंखे में भी रख सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इसमें से निकल जाए। 10-15 मिनट हो चुके हैं, और पानी, चावल से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वह सूख चुका है। अब हम इसको मिक्सर में डालकर उसको पीसेंगे। डालो, अब उसके बाद हम लोग मिक्सर से निकाल कर चलनी की सहायता, चलनी से इसको चालते हैं। इसको हम लोग चालते हैं, उसके बाद जो चलाता है उसको नीचे गमला में जो रख रहे हैं, और जो नहीं चलाता है उसको वापस फिर से मिक्सर में डालकर फिर से हम लोग पीसते हैं। और फिर से इसी तरह जितना भी चावल हम लोगों ने लिया है उसको पीस करके, चाल करके उसको रखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको आगे यूज करेंगे। देखिए, इसको चालने के बाद हम लोग को इस तरह आटे के जैसा, पर थोड़ा ये खुरदरा रहेगा उससे, वैसा हम लोग को प्राप्त होता है चालने के बाद। अब हम लोग उस आटे को जो हम लोग चावल से पीस कर बनाए हैं, उसको हम लोग हल्का गर्म करते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको भूंजते हैं। 5 मिनट तक हम लोग इसको धीमे आंच में चलाते रहेंगे, उसके बाद हम लोग उतार देंगे। इसको बस हल्का ड्राई करने के लिए किया गया है, ताकि जब हम उसको पकाएं तो उस टाइम वो ज़्यादा समय ना लगे उसको पकने में। जो मिट्टी का तवा है, इसको हम लोगों ने गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसी मिट्टी के तवा में हम लोग यह बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, ढक्कन डब्बा रोटी। यह झारखंड का एक लोकल डिश है, इसको हम लोग झारखंडी लैंग्वेज में, यहाँ के लोकल लोग इसको ढक्कन डब्बा रोटी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसके लिए हम लोग जो आटा को भूंजे थे उसको आगे क्या करेंगे। यह भी एक मिट्टी का बर्तन है, इसको हम लोग तवे पर ढकने के लिए उपयोग करेंगे। इसको हम लोग पहले पानी से अच्छी तरह धो देते हैं, अंदर और बाहर दोनों के तरफ। हम उसमें हल्का गर्म पानी डाल करके उसको अच्छे से मिला रहे हैं। जितनी अच्छी तरह से घुलेगा रोटी भी, उतनी ही अच्छी तरह से पकेगी। लगभग 5 से 7 मिनट तक हम लोग पानी मिलाने के बाद उसको अच्छे से घोलेंगे, ताकि उसमें गांठ ना पड़े और स्मूथ रहे पूरा रोटी जो रहे बनेगा हमारा, वो स्मूथ रहेगा हर तरह से।
बैटर इस तरह से रहेगा, ना ज़्यादा पतला रखना है उसको ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। उसका ढक्कन से हम लोग उसको ढक देंगे। अब इसको हम लोग 5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, उसके बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और उसको पानी में रखना है हटाने के बाद। अब हम देखते हैं कि हमारा यह ढक्कन डब्बा रोटी पका है या नहीं पका है। यह लगभग पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसको तवा, मिट्टी का तवा से हटा करके अलग बर्तन में निकाल के रखेंगे। निकालने में थोड़ा मेहनत लग रहा है क्योंकि पहली बार बना है, तो अभी शायद तवा उतने अच्छा से गर्म नहीं हुआ था। दूसरी या तीसरी बार देखेंगे तो उसमें बहुत स्मूथली निकलेगा, तब तक तवा हर तरफ से अच्छी तरह से गर्म हो चुका होगा। दाल रोटी को हम निकाल चुके हैं, अब हम फिर से दोबारा डाल रहे हैं। इस बार शायद ज़्यादा अच्छी तरह से पका होगा क्योंकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है चूल्हे के ऊपर। अब फिर से हम एक बड़ा स्पून या फिर करछुल की सहायता से उसको 1 चम्मच डालते हैं। उसके बाद उसको उस ढक्कन से, जिस जो कि इस ढक्कन डब्बा रोटी के लिए बना होता है, इसे आप किसी भी कुम्हार की दुकान से या कुम्हार के पास से ले सकते हैं। इसको फिर से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस बार ज़्यादा स्मूथली और अच्छे से निकलेगा क्योंकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। जैसा हम लोग देख रहे हैं चूल्हे में भी काफ़ी अच्छा आँच आ रहा है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे कि हमारा यह कितनी अच्छी तरह से पका है। ढक्कन को जैसे ही हम उठाएंगे उसको पानी के अंदर रखना है, उसको खुली सतह में या ऐसे ज़मीन के ऊपर नहीं रखना है। यह लग रहा है कि पूरी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको निकाल के एक अलग बर्तन में रख देंगे और ये स्मूथली निकलेगा क्योंकि तवा हर तरफ से अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इस विधि में, इस ढक्कन डब्बा रोटी जो इसको हम लोग बोल रहे हैं झारखंड के लोकल लैंग्वेज में, इसमें ना तेल का ज़रूरत है, ना नमक का, ना किसी तरह का मसाला की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यह हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा खाना हुआ, बहुत ही हेल्दी खाना हुआ। इसे आप नाश्ते में या फिर डिनर में भी खा सकते हैं और बेस्ट इसका टेस्ट आता है चिकन के साथ खाने में। हम लोग देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, यह पूरी तरह से पक चुका है। इसके लिए हम लोगों ने ना तेल का उपयोग किया, ना ही इडली की तरह सांचे का, और ना ही पानी का उपयोग किया। यह पूरी तरह से आग से पका हुआ है। हम लोग इसे चूल्हे पर पका रहे हैं लेकिन इसे गैस पर भी पकाया जा सकता है, या आपके पास जो भी ईंधन का साधन है उसके ऊपर भी रखकर हम लोग इसे, लेकिन इसके मेन आपको अरवा चावल चाहिए जिसको कि पाउडर बनाना है उसे, या आप मिक्सर पर या किसी ओखल या किसी भी अन्य चीज़ पर बना सकते हैं। और दो मेन इंग्रेडिएंट है, ये आपका तवा मिट्टी का जो बना हुआ है और यह ढक्कन, बस ये तीन इसका मेन आवश्यकता है। अरवा चावल जिसको हम लोग पेस्ट बना कर रखे हैं, देखिए बैटर कुछ इस तरह रहेगा, ना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ना ज़्यादा पतला रहेगा। और ये मिट्टी का जो बर्तन है, इसे तो लोकल लैंग्वेज में तवा ही बोलते हैं, और इसका ढक्कन आप कुम्हार को जाकर बोलेंगे कि ढक्कन डब्बा रोटी बनाना है, उसका हम लोगों को चाहिए, तो झारखंड में कहीं भी ईजिली मिल जाएगा। झारखंड से बाहर के लिए पता करना होगा कि उस लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। वैसे आप ये इमेज दिखाएंगे इस तवे का और इस ढक्कन का, तो कोई भी कुम्हार या मिट्टी का जहाँ सामान आप लेते हैं वहाँ से आप इसे आसानी से मंगवा सकते हैं या फिर ला सकते हैं। आपका बैटर जो है वो इस तरह से स्मूथली गिरेगा जिससे आपको पता चलेगा कि बैटर एकदम, इस बैटर से बहुत ही अच्छा आपका ढक्कन डब्बा रोटी तैयार होगा, बहुत ही अच्छी तरह से पकेगा। नहीं गिर रहा है मतलब आपको उसको और अच्छी तरह से मिलाने की ज़रूरत है। एक बार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ढक्कन डब्बा रोटी है वह बन गया है और बहुत ही स्मूथली यह तवे से निकल रहा है। देखिए इसमें आपको बस हल्का सा उसको प्रेस करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह देखिए कितना अच्छा शेप और कितनी अच्छी तरह से पक चुका है यह रोटी। तो आप लोग भी इसको घर में बना सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं। यह बहुत ही हेल्दी डाइट है, इसमें ना नमक पड़ रहा है, ना मसाला पड़ रहा है, ना ही कोई और चीज़ पड़ रहा है। सिर्फ आपका अरवा चावल का पाउडर है और मिट्टी के बर्तन में बन रहा है। तो आप लोग को पता ही है मिट्टी का बर्तन हमारे पूर्वज लोग खाते थे, उसमें खाना कितना ही हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग भी ज़रूर अपने घर पे इस विधि को ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।